हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज डायरी। आज का वीडियो है कि कैसे आप अपना एक फ्री ब्लॉग, एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बहुत इजी। ये गूगल का ये एक फ्री ब्लॉगिंग के लिए पेज है, blogger.com। इसमें जाके अपने लिए आप एक फ्री वेबसाइट, एक फ्री ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए बस आपको अपना जीमेल आईडी चाहिए, उसे आप लॉगिन कीजिए और आप जिस टॉपिक से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो उससे रिलेटेड एक नाम दे दीजिए और आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। जैसे आप स्टोरीज लिखना चाहते हो, पोएट लिखना चाहते हो, पोएट्री लिखना चाहते हो, आप एफिलिएशन मार्केट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के एफिलिएशन मार्केट के लिए एक पेज क्रिएट करना चाहते हो, ये सब कुछ आप एक ब्लॉग में क्रिएट कर सकते हो। और ये इससे आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने इसमें लिखते रहे 1-2 मंथ्स तो इसमें आपके कम से कम 10-20 आर्टिकल्स आपके हो गए, तो आप गूगल को एडसेंस, आप एक ऑप्शन आता है सेटिंग में ही अर्निंग, वहाँ जाके आप अप्लाई करके गूगल एडसेंस अपने पेज पे लगा सकते हो और इसको आप इससे अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉग क्रिएट करके दिखाऊंगी और उसमें कैसे आप अपना पोस्ट, अपने आर्टिकल्स कैसे उसमें पोस्ट कर सकते हो वो मैं आपको शो करूंगी, और बहुत सारे सेटिंग्स है, कस्टमाइजेशन है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्रोम में जाना है। क्रोम में आप गूगल में लिखिए blogger.com, लिख दिया मैंने blogger.com। लिखते ही आपका ये ब्लॉग का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आएगा क्रिएट योर ब्लॉग, तो आपको यहाँ अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। इसको क्लिक करें, क्रिएट योर ब्लॉग, और आपका एक साइन इन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी से साइन इन या लॉग इन करना है। जैसे मैं अपना लॉग इन आई डाल रही हूँ mamta.mtripathi। आपका जो भी जीमेल आईडी, उसके जीमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट में क्लिक करें। ओके, नेक्स्ट क्लिक करते ही आपका ब्लॉग स्पॉट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आप अपने ब्लॉग का नाम डालना है। मैं यहाँ पे टेक रूमी डाल रही हूँ, इस नाम से मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहती हूँ, पेज क्रिएट करना चाहती हूँ। लिखकर आपको करना है कंटिन्यू टू ब्लॉगर, तो कंटिन्यू करते ही आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। अभी आपका पेज क्रिएट नहीं हुआ है, अभी आपसे आपको यूआरएल क्रिएट करने बोलेगा एंड योर टाइटल। टाइटल आप सेम दे सकते हो, जो डिस्प्ले नेम है आपका, जो आपने पहले डाला टेक रूमी, मैं सेम डाल रही हूँ इस नाम, यही मेरा हेडिंग आएगा। एक्चुअली हेडिंग आएगा और ये आपका यूआरएल आएगा, जैसे google.com, youtube.com, वैसे ये ब्लॉग स्पॉट इसमें आएगा क्योंकि ये फ्री है। तो ये ब्लॉगर अपना ब्लॉग स्पॉट आपको आएगा, तो ये नाम अवेलेबल है techroomy.blogspot, ये अपने आप ऐड हो जाएगा आपका, ये आएगा। अब आपको अपने पेज का लेआउट, मीन्स पेज का आपको टेम्पलेट डिज़ाइन चूज़ करना है। बहुत सारे डिज़ाइन है, आप इसमें से कोई भी चूज़ करके आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका पेज ओपन हो गया। ये आपको नो थैंक्स करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नो थैंक्स, या इसको क्लिक करके आपको अब अपने लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ किया टेक रूमी, आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब आपको देखना है कि ये दिखेगा कैसे, तो व्यू ब्लॉग में ठीक उसके नीचे व्यू ब्लॉग है, उसमें आप क्लिक कीजिए व्यू ब्लॉग। ये आपका techroomy.blogspot.com, ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया। ये आपका यूआरएल एक मिल गया, ये आपका पेज ऐसे दिखेगा। अभी इसमें कोई भी आर्टिकल, कोई भी पोस्ट नहीं है, तो अब हम अपना एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ से बैक जाइए और यहाँ पर है न्यू पोस्ट। आप न्यू पोस्ट में ऑरेंज था बटन, उसमें आप क्लिक करें न्यू पोस्ट। अब आपको एक आर्टिकल क्रिएट करना है। अगर आप जो भी पोएट्री लिखना चाहते हो, जो भी उसका हेडिंग डालिए और उस पोएट्री को नीचे इस जगह पर नीचे आपको पोएट्री, पहले आप पोएट्री का जो भी आप जिसका भी पेज है जिससे रिलेटेड, उसके आप हेडिंग दीजिए। मेरी टेक्नोलॉजी है तो मैं टेक्नोलॉजी, मैं एक फ़ोन के बारे में आज लिख रही हूँ तो मैं उसका हेडिंग दूंगी, सैमसंग M30 लॉन्चेज इन इंडिया, ये मेरा हेडिंग होगा। जैसे आप कोई भी गूगल में जाके सर्च करते हो उसके हेडिंग आती है, हेडिंग वो, ये आपकी हेडिंग हो गई, ये मेरी
हेडिंग हो जाएगी। अब आपको इसका बॉडी मीन्स उसके पैराग्राफ्स उसके लिखना है। तो अभी मैं आपको डेमो के लिए 2 लाइंस लिख के दिखा दे रही हूँ। सैमसंग लॉन्चेज इज न्यू स्मार्टफोन विद बैटरी कैपेसिटी ऑफ 6000 mAh। ये मैं 2 लाइन आपको 2 लाइन नहीं लिखना है, आपको अच्छा सा एक आर्टिकल रेडी करना है। मैं आपको बस ये डेमो के लिए दिखा रही हूँ। या आप इसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, आप इसमें वीडियो एम्बेड कर सकते हो। ऊपर आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ लिंक ऊपर उसके बगल में आपको गैलरी का, वहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। आप जितने भी आप वर्ड में जो करते हो, बोल्ड, किसी को आप लाइन को बोल्ड दिखाना, ब्लोट, ये बहुत सारे सेटिंग्स हैं। जैसे आप वर्ड में अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर करते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने 2 लाइन लिखा, अब मुझे इसके पिक्चर भी ऐड करना है इस आर्टिकल में। तो मैं ऊपर एक पिक्चर का बटन है, उसको आप क्लिक करें और आपको आपके आर्टिकल में पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यह आ गया। अब यहाँ से आपको चूज़ फाइल, अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप पे कोई फाइल पिक्चर है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो तो वो आप अपलोड कर सकते हो। मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया और मेरे फ़ोन में सैमसंग M30 का पिक्चर है, मैं उसको आर्टिकल में, ये हो गया और ये पिक्चर मेरा उस आर्टिकल में अपलोड हो जाएगा। जहाँ आपका कर्सर रहेगा, जहाँ पे आप इसको पिक्चर को डालना चाहते हो डालो और यहाँ से पब्लिश कर दो, तो ये आपका पेज पे ये आर्टिकल पब्लिश होगा। आप जाके आपको अपना ब्लॉग देखना, टेक रूमी के नीचे व्यू ब्लॉग में फिर से क्लिक कीजिए और ये आपका पेज ओपन हो गया और ये आर्टिकल आपका पब्लिश हो गया। ऐसे करके आप हर बार जाके एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने पेज में आप डाल सकते हो। ये आपका आ गया। इसमें आप बहुत सारे आप पेज में ऑप्शंस दिखेंगे, आपको राइटर का नेम दिखेगा, यहाँ टेक रूमी आ रहा है नेम, यहाँ कमेंट होगा। मैं आपको अगर कोई कमेंट करता है आपके आर्टिकल पे तो ये कमेंट आपको ऐसे उस आर्टिकल के नीचे शो होगा। मैंने हेलो लिख कर ये दिखा, ये सारे ऑप्शंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब हम थोड़ा सेटिंग्स देख लेते हैं, आप फिर बैक करके जाइए। ये आपको यहाँ ऊपर से आप इसको क्रॉस कर दीजिए। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, अगर आप थीम्स मतलब पेज में आपको डिफरेंट थीम्स इंक्लूड करना चाहते हो तो ये आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, इसको आप अपने पेज में डाल सकते हो। सेटिंग्स में जाकर आप ये देख सकते हो कि पेज, ये आपका पेज, आप किस में सिक्योरिटी में चलाना चाहते हो, HTTPS है, ये आपका टेक रूमी है, टेक रूमी को आप कुछ और डालना चाहते हो अपना, आपका URL कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है techroomy.blogspot.com, बट उसके नीचे जो टेक रूमी हेडिंग आ रहा है उसको अगर आप कुछ और करना चाहते हो, जैसे मैंने माई टेक रूमी कर दिया है, तो ये आपका हेडिंग आप ऐसे आएगा। अगर आप अपने हेडिंग के नीचे सब हेडिंग डालना चाहते हो, जैसे ये मैं टेक्नोलॉजी पे लिखती हूँ तो मेरा सब हेडिंग आ जाएगा कि दिस इज़ माई टेक ब्लॉग। आप जो चाहो उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने पेज को, इसमें आपको ऑलरेडी ऑप्शंस मिलते हैं। आपको सब ऑप्शन जाके एक एक बार क्लिक करके आपको सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। ये आपको सारे ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, थीम्स, लेआउट, पेजेस, अर्निंग, कमेंट्स, ये सारे। अभी लेआउट्स में आप आकर अगर आपके जो ब्लॉग स्पॉट के आगे एक आपको आइकन दिखेगा, वो अपना आप खुद का भी लोगो आप अपने वहाँ पे डाल सकते हो। आप अगर आपके फ़ोन में कहीं पर एक अपने लोगो क्रिएट करे पिक्चर है तो उसको भी आप अपने URL के आगे एम्बेड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस है। हेडर में जहाँ पे टेक रूमी लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे आप हेडर में कोई डिज़ाइन डालना चाहते हो, कुछ पिक्चर्स डालना चाहते हो, वो आप हेडर में डाल सकते हो। यहाँ एडिट ऑप्शन आ रहा है, फुटर में क्या दिखेगा, ये सारे ऑप्शंस आप एक एक बार क्लिक करके आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। आपको आराम से सारा कुछ बहुत इजी है, आराम से पता चल जाएगा। जैसे अबाउट मी है तो प्रोफाइल में अपना क्या डालना चाहते हो, अपने बारे में आप 2 to 4 lines आप लिखना चाहते हो तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने बारे में, कि आप फूडी हो, आप पोएट हो, आप टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो या ब्यूटी पे लिख रहे हो, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे माय नेम इज़ ममता त्रिपाठी, ये अगर आप ये सब डालना चाहते हो लिख कर आप इसको सेव कर दो, ये आपके प्रोफाइल में आपको ये दिखेगा। आप इसमें 4 to 5 lines आराम से इसमें लिख सकते हो और आप इसको सेव कर दो, ये आपके पेज में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सबको क्लिक करके देखना है। ये हो गया, ये आपका प्रोफाइल में ये दिखेगा। अब आप पोस्ट है, पोस्ट में आप क्लिक करोगे, पेजेस में, ये आपके पेजेस, आप डिफरेंट पेज क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेसी पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज,
बहुत सारा अबाउट मी पेज, ऐसे आप बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया पोस्ट, आई हमने अभी एक पोस्ट डाला था सैमसंग, वो आपको पोस्ट दिख रहा है। अगर आपके ऐसी टेंट है तो ये नीचे नीचे आपको सारे पोस्ट भी दिखेंगे, उसको एडिट वगैरह सब कर सकते हो। यहाँ ये स्टैट है, मीन्स आपके पेज में कितने लोग आ रहे हैं, लोग कितने लोग उसमें देख रहे हैं आपके आर्टिकल को, कितने लोग आके क्लिक कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आप, कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब कितने लोग आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको ये वाले स्टार्ट, ये ऑप्शन है इसमें आपको दिख जाएगा। आपका ब्लॉग कब क्रिएट हुआ है, किस समय लोग उसको ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, ये सारा आपको इसमें दिख जाएगा। ये वाले स्टार्ट ऑप्शन में ऐसे बहुत सारा है, ट्रैफिक, ये सारा ऑप्शन आपको क्लिक करके चेक करना है। ये आपका ट्रैफिक है, URL, ये आप में बस आपको इसको एक एक बार सबको देख लेना है। अर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2-3 मंथ्स लिखा, जैसे अभी तो आ रहा है कि योर ब्लॉग इज डजन करेंटली क्वालिफाई फॉर द एडसेंस, मतलब एक ही आर्टिकल है तो अभी आपको इसमें एडसेंस मतलब एड्स नहीं मिलेंगे, आप इसमें अभी कमा नहीं सकते। बट आपने अगर लिखा तो ये ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा, योर ब्लॉग इज रेडी फॉर द एडसेंस। तो ये सारे आपको रूल्स हैं क्या फॉलो करने, ये सारा आप आराम से पढ़िए और ये फॉलो करके आप इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखना है, आप सारे ऑप्शंस को क्लिक करके देखिए। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ, बट आप खुद जाकर भी पूरा आराम से इसको पूरा पढ़ सकते हो। तो ये सब सारे ऑप्शंस आपको हैं। अब आप फिर से अपने ब्लॉग में जाकर जो जो आपने चेंजेस किया है वो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने टेक माय टेक रूमी कर दिया था, दिस इज टेक ब्लॉग, ये सारे ऑप्शंस हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़